दोस्तों, रोज की तरह आने लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में मानव जीवन में चेतना आध्यात्मिक क्यों नहीं है और कैसे इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो चेतना की आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए आज के परिवेश में सबसे पहले हमें चेतना के आध्यात्मिक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, आत्मा की आत्मा को सृष्टिकर्ता से, यानी हमारी आत्मा जो है वह सृष्टिकर्ता से जुड़ी हुई रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम सही संबंधों में विद्यमान प्रेम और ध्यान की शक्ति को अपने अंतःकरण में व्याप्त करते हैं, जागृति करते हैं। आत्मा प्रेम व धन की शक्ति को महसूस करती है, यानी आत्मा जो है वह प्रेम व दान की शक्ति को महसूस करती है। चेतना का आध्यात्मिक स्वरूप ध्यान है, चिंतन है, अन्य साधनों के सौजन्य से चेतना को संरचित करने के संभावनाओं की उत्पत्ति, जिससे एकता और पारलौकिकता की अवस्थाओं और परम चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। तो विचार स्वरूप हमारे अंतःकरण में आता है कि वास्तव में हम चेतना को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो चेतना दोस्तों, यह मानव की वह विशेषता है जो उसे जीवित रखती है, जो अपने विषय में विभिन्न प्रकार के परिवेशों का ज्ञान करती है, उसके बारे में हमारे अंग प्रत्यंगों का की रक्षा करती है। यही विचार शक्ति हमारी बुद्धि कहलाती है। तो दोस्तों, चेतना के लिए के कई स्तर हैं। पूर्व चिंतनशील चेतना है, मौलिक यानी जागृता है, जागरूकता है, मौलिक जागरूकता को दर्शाती है, यानी सचेत अनुभव स्तर, सचेत अनुभवों का स्तर चेतना का स्तर है। और चिंतनशील चेतना जो बाहरी जगत की चेतना से हमारे अंतःकरण को के स्वरूप को जागृत करती है। तो दोस्तों, मानव जीवन हमारे कर्म संघर्षों का परिचय है और उसका ही पर्याय है। तो जीवन में कर्म व संघर्ष ये बताते हैं कि हम जीवित हैं और हमारे पास जीवन है। कोई भी जीवन ऐसा हो, कोई भी जीवन का क्षण ऐसा हो जहाँ किसी प्रकार की क्रिया न हो, वहाँ चेतना प्रतीत न हो। तो आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से आज दोस्तों, चेतना के आध्यात्मिक स्वरूप की को सही के स्वरूप का सही मानक हम अपनी चेतना को कैसे साकार रूप में चरितार्थ कर सकते हैं। तो कोई भी, जिस प्रकार मैंने बताया, निष्क्रिय यानी निश्चेतन
जहाँ क्रिया न हो वहाँ चेतना प्रतीत नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि निष्की यानी निश्चेतन, तो कर्म से जीवन का परिचय मिलता है। कर्मण्य वा अधिकार सुमा फलेश दासन, कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस कर रही तस्फल राखा। कर्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और कर्म से जीवन परिभाषित होता है। तो चेतना के आध्यात्मिक स्वरूप को जानने के लिए हमको कर्म भावों की वास्तविकता के स्वरूप को शुचिता के भावों से संजो कर रखना पड़ेगा। कर्म से जीवन परिभाषित होता है, लेकिन कर्म में अनजाने में ही अपने आप कितने प्रकार के दोष खुल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम चेतना, जो हमारी चेतना होती है, उसके स्वरूप को आध्यात्मिक स्वरूप नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। भूमि पर पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, ऐसे ही कुछ हो जाता है जैसे कि जीव जब जन्म लेता है तो माया अपने आप उससे लिपट जाती है। और हम कर्म करते हैं, जब सोते हैं तो सहन करते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं होते हैं। हम गलत नहीं होते हैं। सोते समय हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं और हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, हम द्वेष नहीं करते हैं, हमारे अंदर में बैर वैमनस्य नहीं रहता है। लेकिन जब हम जगते हैं, हम तो अपने आप मन के सारे दोष हमारे जगने लग जाते। तो एक प्रकार के हमारे साथ लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस तरह हमारे जगने के साथ हमारे मन के विकार भी अपने आप जग जाते हैं। अगर हमारे विकारों में शुचिता होगी, संभाव होंगे, आदर्शता के भाव होंगे, तो उनका जागरण अपने आप हो जाएगा। जैसे बच्चा होता है, वह जब छोटा होता है, शिशु होता है, माँ की गोद में होता है, पूरी तरह से निर्दोष होता है और बच्चे को भगवान का स्वरूप माना गया है, क्योंकि उसमें चेतन क्या अच्छा क्या बुरा, उसकी चेतना की कमी का के भावों का पूर्ण रूप से क्या अच्छा क्या बुरा, बुराई और अच्छाई के बीच की खाई को वह नहीं जानता है, तो पूरी तरह से निष्कलुष होता है, यानी निष्कलंक होता है, पूरी तरह से निर्मल होता है। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सारी चीज़ें उसके अंतःकरण में जगने लगती हैं, उसका एक व्यक्तित्व सबके सामने अवतरित होने लगता है, और जब वह कुछ बड़ा हो जाता है तो बचपन से ही उसका खिलौनों के साथ खेल करके उनसे लड़ने की प्रवृत्ति आती है, अपने छोटे छोटे जो अपने साथी होते हैं उनके साथ लड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो वही जो छोटी छोटी प्रवृत्तियां हैं उसके घर में, उसके अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों को संचित करती है, तो वहीं झगड़ा जमीन जायदाद के लिए धीरे धीरे होने लगता है। और मूल में अगर हम देखें तो बच्चे में जो दुर्गुण बहुत छोटे में अंकुरित हो अवस्था में बीज रूप में होते हैं, वही बड़े होने पर कुछ ज़्यादा फैल जाते हैं। तो उसके लिए जो हमारे
अभिभावक हैं वह बच्चे के जीवन को चेतना को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करने के लिए दोषी होते हैं, क्योंकि चेतना के हमारा जिस प्रकार का परिवेश होगा, हम जिस प्रकार के भावों को दैनिक जीवन में जिस प्रकार का परिवेश बनाएंगे, उसी के अनुरूप हमारे अंतरकरण के भाव जागते हैं और हमारे अंदर जो चेतनाएं आती हैं हमसे उसी बच्चे से, बच्चे को जब उसके वह सामाजिक परिवेश में आता है, अपने पारिवारिक परिवेश में आता है, तो उन्हीं अभिभावकों के द्वारा जो सामाजिक परिवेश के द्वारा जो उसके अंतर्गत में भाव आते हैं वही उसकी चेतना को अच्छाई और बुराई के मानक बनते हैं। तो इसीलिए आध्यात्म में चेतना क्यों नहीं है, इसको हमको समझना है। दोस्तों, हम कर्म करते हैं और उसमें दोष भूल जाते हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं बिना दोषों के, कोई भी कर्म जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। कर्मों की वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की गलतियां करना, त्रुटि करना, उसमें कमियां, जो दोष हैं, जो दोष घुल जाते हैं वह अपने आप ही अवतरित हो जाते हैं और हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। फिर तो दोष हमारे कर्म को धुंधला कर देते हैं, मैला कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, अनेक प्रकार के विषाक्त भावनाएं उसमें जुड़ जाती हैं। जो आज वह विषाक्त भाव हम अपने बचाव के लिए जिस बच्चे के अंदर उसको उसके भावों में डालते हैं वही कल के लिए हमारे लिए अभिशाप बन के रह जाते हैं और वही आध्यात्मिक जीवन की सही पराकाष्ठा में सफलता की किस के स्वरूप को प्रदान नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, तो परिणाम जो हमारे निकलने वाले जो हम अपने कर्म भावों को करते हैं उन कर्म भावों के जो परिणाम हैं वह शुचिता में शुचिता के सौजन्य को नहीं प्राप्त कर सकते और इस तरह दूषित कर्मों के कारण परिणाम भी दूषित हो जाते हैं। अगर हमारे कर्म भावों में कोई भी मलिनता आएगी, कोई भी गलत विचार आएंगे और हम अपने माता पिता और अपने सामाजिक परिवेश में अगर दूषित भावों का संचार करेंगे, ये मेरा, ये तेरा, आई निजो परोवेती, हमारा द्वेष, राग द्वेष, कुंठा, अभिशाप, अनेक प्रकार के एक दूसरे से द्वेष की जो भावनाएं हमारे, हम उसको जन्म देते हैं, वही हमारे अंतःकरण में विकार पैदा करते हैं, वही हमारे आध्यात्मिक जीवन को के लिए अभिशाप के रूप में अवतरित होते हैं। तो इन कर्मों को दोष मुक्त करने का उपाय हमको सोचना है दोस्तों। तो कैसे हम इसको, यानी जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को हमको जगाना है, आध्यात्म में चेतना के सही स्वरूप को प्रकट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों भगवान कहते हैं, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास्या आध्यात्म चेतसा, संन्यास्या ध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्या स्थात्म चेतसा, यानी सभी कर्मों का मुझ में संन्यास कर दो, मेरे में त्याग कर दो, व्यापक हित के लिए, लोक हित के लिए, आत्महित के लिए,
ईश्वर के लिए, ईश्वर की करुणा के लिए, परमात्मा के आशीर्वाद के लिए, परमात्मा की कृपा दृष्टि के लिए कर्म करना के भावों को हमारे अंतःकरण में जागृत करें। ऐसे भावों का उदय जब हमारे अंतःकरण होगा तो हम इस तरह कर्म करने से कर्म के जो दोष हैं अपने आप हमारे अंतःकरण में से हट जाएंगे। इसके लिए दोस्तों हमें अपने पारिवारिक जीवन को और अपने सामाजिक परिवेश को और जिस परिवेश में हम रहते हैं उसकी निर्मलता, उसकी परिष्कृतता को बनाए रखना भी आवश्यक है। तो दोस्तों जिस प्रकार वायुमंडल में दूषित हवा हमको रुग्ण कर देती है, बीमार कर देती है, अनेक प्रकार के रोगों की शुरुआत कर देती है, उसी प्रकार गलत व्यवहार में, गलत परिवेश में, गलत सामाजिक परिवेश में और गलत पारिवारिक संगठन में हमारा अगर पालन पोषण होता है तो हमारा पूरी आत्मा हमारी जो है, जो हमारे आत्मा के आत्मा में अनेक प्रकार के विकारों की शुरुआत हो जाती है। वही विकार हमारी चेतना को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करने में अवरोध बनते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर मुझमें तुम कर्म को त्यागोगे, मेरे लिए कर्म करोगे, यानी भगवान को साक्षी रखते हुए हम अपने कर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो मेरे लिए कर्म करोगे तो मुझमें अपनी सभी कर्मों को विसर्जित कर दोगे, तो आध्यात्म चेतना, हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी। तो चेतना को आध्यात्मिक बनाने के लिए, इसीलिए चेतना को आध्यात्मिक क्यों नहीं कहा गया वो मैंने आपको बताया, और इसी संबंध में आध्यात्म चेतना की तृप्ति के लिए, उसके चेतना को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करने के लिए हमें अपने को किस प्रकार से आध्यात्म चेतसा की आवश्यकता है, अर्थात हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी। तो चेतना आध्यात्मिक क्यों नहीं है, चेतना दूषित क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ दोष आ जाते हैं, और वही दोषों स्वार्थ का दोष, अहंकार का दोष, और वे दोष हैं जो आसक्ति का दोष, आकांक्षा का दोष, कामना का दोष, अयंग निज परवृत्ति का दोष। इस तरह हमारी चेतना में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, इसीलिए हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं है। निस्वार्थ ढंग से कार्य करने की और पारदर्शिता से कार्य करने की हमको जब तक अभिरुचि हमारे अंतःकरण में नहीं होगी, तब तक हम चेतना में आध्यात्मिकता को परिलक्षित नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों भगवान बार बार कहते हैं कि निराशी ही, यानी आशा रहित हो जाओ, निर्मम हो जाओ, ममता रहित हो जाओ, और युद्धस्व, युद्ध तो करो लेकिन विगत ज्वरह, संताप रहित होकर, किसी प्रकार के संशय और विचारों को मन में रख कर के युद्ध करने की जो अभिलाषा है वह हमारी चेतना में, हमारी आध्यात्मिक शक्ति में अवरोध पैदा कर सकता है। तो दोस्तों हमारे सामान्य जीवन के कर्मों में ये सारी चीज़ें, यानी हमारे कर्मों में आशा, ममता, आसक्ति सम्मिलित रहती है, इसीलिए संपूर्ण जीवन हम कर्म करते हैं लेकिन हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं होती है। कठिन परिश्रम भी हम करते हैं दोस्तों, अनेक प्रकार की चुनौतियों से सामना करते हैं, और लेकिन जो रुग्णता हमारे अंतःकरण में है उसको हमने कभी भी समाप्त करने का
तब तो आपने अंतःकरण में नहीं बनाया, तो हम कर्म तो करते हैं लेकिन आशा रहित कभी नहीं होते हैं, क्योंकि हम कर्म तो बाद में करते हैं, इससे पहले हमारी आशाएं जीवित हो जाती हैं। वही आशाएं जो हैं कर्म बुद्धि आस्था और चेतना का आधार है। हम सोचते हैं दोस्तों, फिर सपने अपने आप बुनने लगते हैं, आशाओं के आसमान अपने आप ही हमको घेर लेते हैं। तो हम सोचने लगते हैं कि ऐसा होगा फिर वैसा होगा, अनेक प्रकार की कल्पना परिकल्पना करते हैं, फिर बड़ी बड़ी दूर तक अपना आशा का ताना बाना बुनते चले जाते हैं। जो आशा पूरी हो या न हो, लेकिन उस आशा में ही हमको बहुत सुख मिलता है, अपार सुख की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें कहीं यात्रा पर जाना हो तो जाने से पहले हम अपनी यात्रा के सपने बुनने लगते हैं, क्या करूँगा, कैसे टिकट खरीदूँगा, कहाँ पर मुझे जाना होगा और वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, वहाँ पर कहाँ कहाँ विचरण करूँगा। तो टिकट अभी हुई हो या न हुई हो, लेकिन हम पहले ही अपने गंतव्य के सपने अपने अंतःकरण में जगाने लगते हैं। विचारों का मंथन करना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन अनेक प्रकार के दिव्य व्यर्थ के स्वप्नों को देखना, आधारहीन विचारों को अपने मन में मनगढ़ंत बनाना, यह हमारी आध्यात्मिक चेतना की अवरोधक की सूचक है। निर्ममता दोस्तों, कर्म करने से हमें ममता रहित होना चाहिए। हम कोई भी कर्म करते हैं तो आध्यात्मिक चेतना हमको तभी प्राप्त हो सकती है जब हम ममता रहित होना सीखें। हम ममता पूर्ण होते हैं अपने कर्म में, हमारी ममता बहुत गहरी हो जाती है। जैसे अगर हमने कोई लेख लिखा हो, कोई सुंदर सा कोई चीज़ लिखी हो, कोई पोयम लिखी हो, कोई कविता लिखी हो, तो उसके बारे में कोई कहे कि क्या बेकार तुमने लिखा है, और कोई कहेगा ये बहुत अच्छी लिखी है, कोई कहेगा जाओ इसको फेंको ये बेकार चीज़ है, और कोई उसमें रुचि लगाएगा, कोई उसमें रुचि नहीं लगाएगा। तो किसी काम लायक, कोई कहेगा ये किसी काम लायक नहीं है, तुच्छ है। जैसे मैं अपने भावों को बोल रहा हूँ तो कोई कहेगा अरे बेकार आदमी है, कौन इसकी बातें सुनता है। अनेक प्रकार की भावनाएं ऐसे समाज में आती हैं। तो दोस्तों, विचारों की क्रांति इसी को कहते हैं, विचार क्रांति। अगर हम शिष्टाचारवश हम जो करते हैं उसमें हम भूल जाते हैं, अपने आप में उसमें हम समाहित हो जाते हैं, हमको इस चीज़ का भाव हमारे अंतःकरण में नहीं आते कि कौन हमारे बारे में सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन मेरे द्वारा कही हुई बातों में रुचि दे रहा है, कौन नहीं रुचि दे रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमें चाहे हम कोई भी कार्य करें, अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण भाव से, पूर्ण लगन के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य को परिणित करेंगे तो आध्यात्मिक चेतना हमको अपने आप हमारे अंतःकरण में निहित हो जाएगी। तो हम अगर कोई कुछ कहता है, हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई कहता है ये सुधरा है, ये बहुत अच्छा है, ये खराब है, ये बेकार है, कोई कुछ अपनी अपनी प्रतिक्रिया, जितने इस संसार में लोग हैं, जितने मन हैं, जितनी वाणियाँ हैं, जितने मनुष्यों के स्वरूप हैं, कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई सगुण को मानता है, निर्गुण को मानता है, अलग अलग मानव की चिंतन है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। तो ज़रूरी नहीं है कोई मेरी विचारों को पसंद करे और मैं किसी के विचारों को पसंद करूँ, ये तो अपनी अपनी अभिरुचि है दोस्तों। तो हमें इन चीज़ों का चिंतन अपने अंतर मन में न रखते हुए चेतना के सौजन्य को जगाने के लिए
आध्यात्मिक स्वरूप के संचार के लिए अपने कार्यों को किसी भी प्रकार से जितने संसाधन हम हमारे पास हैं उन्हीं संसाधनों से अपने कार्य को शुचिता के भावों से आगे को बढ़ते रहे। चरोवेति चरोवेति की अभिभूति हमको होनी चाहिए, चरेवेति चरेवेति आगे चलते रहो चलते रहो। तो इस संसार में दोस्तों जैसे कहते हैं हाथी चलता रहता है, कुत्ते उसको देख के भागते रहते हैं, तो ये दुनिया की प्रक्रिया है। किसी को कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है। तो सामाजिक परिवेश में दोस्तों अपने आध्यात्म चेतना को जगाने के लिए, चेतना को चेतना के स्वरूप को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करने के लिए हमें अनेक बुराइयों से अनेक कठिनाइयों से अनेक दूषित भावनाओं से उनसे जूझ करके आगे बढ़ने की प्रेरणा को प्राप्त करना चाहिए। वही आध्यात्मिक चेतना को हमारा सजग कर सकता है। हमको कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है उससे किसी प्रकार का अपने अंतःकरण में कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए। जैसे पानी होता है दोस्तों, उसमें हम शक्कर घोल देते हैं नमक घोलते हैं तो दोनों दिखाई नहीं देते हैं, दोनों अदृश्य हो जाते हैं, पारदर्शी होते हैं। रंग देखकर हम यह नहीं कह पाते हैं कि उसमें कुछ घुला है या नहीं। अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो पानी नमकीन हो जाता है, उसी में हम अगर चीनी डाल देंगे शक्कर डालेंगे तो मीठा हो जाएगा, तो रंग उसका नहीं बदलता है। तो अगर हम अपने यानी हम अगर हम नमक डालेंगे तो नमकीन होगा, मीठा डालेंगे तो मीठा होगा, स्वाद बदलता है। तो अनायास ही हमारी ममता उसमें घुल जाती है, जिस प्रकार पानी में नमक और चीनी घुल जाते हैं तो हमारी आसक्ति घुल जाती है। तो कहने का हमारा अपनत्व हमारा उसमें घुल जाता है, हमारी आसक्ति घुल जाती है। कोई व्यक्ति अगर उसको उसकी निंदा करता है तो हमें बुरा लगता है, वही बुरा लगना हमारी चेतना में आध्यात्मिक शक्ति की जागृति का की अवरुद्धता का कारण बनता है। तो हम जहाँ रहते हैं दोस्तों उस जगह में हम कहीं ना कहीं अनजाने में आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम उस घर के कमरों में और उनकी दीवारों में उनकी खिड़कियों में वहाँ का परिवेश और उससे हम भिज्ञ हो जाते हैं, तो उसमें हम घुल मिल जाते हैं। लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच कर घुल घुल कर घुल मिल जाते हैं। तो जब हम किसी कमरे को छोड़ते हैं यानी उस जगह को पर्टिकुलर जगह को हम छोड़ते हैं तो कमरा हमको नहीं छोड़ता, हम कमरे को छोड़ते हैं। कमरा हमारे लिए नहीं रोता, हम कमरे के लिए रोते हैं। मकान हमारे लिए नहीं रोता, हम मकान के लिए रोते हैं, बल्कि हम रोते हैं, हम बार बार याद करते हैं। पहले हम वहाँ रहते हैं, सारी चीज़ें हम अपने अंतःकरण में सोचते हैं, लेकिन हमको दिक्कत होती है। हम वहाँ रहते थे, हमारा मकान था और वह बड़े काम का था। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निर्मम ममता रहित होना मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जहाँ पर जितने समय तुम हम वहाँ रह रहे हैं उसका आनंद लेकर के हमको उसको भूल जाना था। तो दोस्तों दुष्टता यानी आशा ममता और संताप और हमारी आसक्ति स्वार्थ व अहम कामना की आकांक्षाएँ ये हमारे जीवन के हमारे कर्म के दोष हैं। कर्म को इन दोषों से मुक्त होना, हम क्या काम करते हैं और यह हमारे काम को गुणवत्ता में प्रदर्शित कैसे हमें करना चाहिए, काम किसने किया है, काम छोटा हो या बड़ा हो उसकी वास्तविकता को समझना हमारा कार्य है। बल्कि काम के दोष और गुणयुक्त होना न होना, कार्य में कर्ता की खुशबू या बदबू होती है उसकी कार्यशैली की सुगंध या दुर्गंध का हमें एहसास होना चाहिए। तो कोई भी दृष्टा होता है दोस्तों इस संसार में इस सृष्टि में दृष्टि का संयोग यही हमें बांधता है और हम बंध जाते हैं। तो इसको लेकर के भारी हमारे अंतःकरण में कलह पैदा होता है और कभी कभी तो भारी बैर भी हो जाता है।
दुष्टता और दुष्य के संयोग से दुष्टता की विकृतियाँ कर्म में घुल जाती हैं, तो ये कर्म वह है जो हमारे दूषित करते हैं। तो हमारा कर्म अगर दोषयुक्त है तो चित्त में मलिनता और कर्म राशि और संस्कार बहुत सारी परतें चढ़ जाती है उसके अंदर। तो कर्म अगर दोषमुक्त हूँ तो परतें समाप्त हो जाते हैं, सब निकल जाते हैं करके। और कर्म के दोष मुक्त होने पर हमारी जो चेतना है वह स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमें अपने कर्म भावों के सौजन्य से किसी के अच्छाई और बुराई के परिवेश से दूर रख करके अपने चेतना के संस्कारों को जागृत करके हुए आध्यात्मिक चेतना की संरचना का उदय करना चाहिए। इसी से हम जीवन में कोई भी होनहार छात्र है, विद्यार्थी है, कोई भी कर्म कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है, जब तक हम अपने आध्यात्मिक चेतना की जागृति नहीं करेंगे, कर्म भावों में हम किसी प्रकार के सब प्रकार से दोष मुक्त होंगे। निश्चित ही हमें हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होगा और हम कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इन दोषों से मुक्ति पा करके अपने आध्यात्मिक जगत में चेतना के स्वरूप को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो कर्म दोषों के अनुसार कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करें तस फल चाखा। तो कर्मों के अनुसार फलों की प्राप्ति हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारे कर्म में अच्छाई है या बुराई है, इससे हमें किसी प्रकार से दूषित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्मनिष्ठा और कर्म भावों से, शुचिता के भावों से अपने मन में सुंदर भावों का को संचार करके हम कार्यों को परिणित करेंगे तो हम आध्यात्मिकता से चेतना के स्वरूप को जागृत करके चेतना में आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उसी से अपने कार्यों को परिणित कर सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, आध्यात्मिक क्षेत्र में चेतना की जागृति के लिए हमको कर्म भावों को किस प्रकार से सजो कर रखना चाहिए, इसी की प्रेरणा हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसे करने से हमारा जीवन वास्तव में सफलता की श्रेणी पर और हम किसी भी कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ करके आध्यात्मिक चेतना की जागृति कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।